हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल मेडिशनल पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार आपके लिए एक नए मेडिशनल प्लांट को लेके आती हूँ और उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ तो फ्रेंड्स आज की आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक नए मेडिशनल प्लांट्स को लाई हूँ और उसके बेनिफिट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम मिंट के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली इसे सब लोग ही जानते होंगे आई थिंक मिंट को हिंदी में पदीना कहा जाता है तो पदीना के यूजेस के बारे में कि कैसे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ये जो मिंट होता है ये हमारे डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है साथ ही हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसे भी इंक्रीज करता है पदीना फिर हम बात करें हमारा जो पौधीना होता है इसे इरिटेबल सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिंड्रोम होता है जिसमें आदमी चिड़चिड़ा होता है तो उसमें भी यदि आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये देगा पौदीना के बारे में बताऊं यदि आपको और जानकारी के लिए तो पदीना एक मात्र ऐसा प्लांट्स होता है जिसे कि जड़ में नहीं लिया जाता जिसका अर्थ होता है गैस्ट्रोफेगल रिलैक्स सिंड्रोम इसमें इसे नहीं लेना चाहिए डॉक्टर ने मना किया है कि इसको खाने से बहुत सारे इन्फेक्शन्स हो सकते हैं आपके स्टोमक में तो उसे वहाँ पर मना किया गया है तो वो लोग इसको नहीं ले सकते हैं लेकिन जो रेस्ट ऑफ बचते हैं जिन्हें कोई भी सिंड्रोम नहीं है जो वो सिंड्रोम नहीं है जड़ वाला तो वो इसे ले सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा होता है ट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है साथ ही ये रिच होता है न्यूट्रिशन में तो आप इसको अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं और आप इसको रोज़ खाएंगे तो आपकी जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और कभी भी आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी फिर चलिए फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मेडिशनल प्लांट्स के बेनिफिट्स के बाद